हमारी महायुति को संपूर्ण बहुमत दिया, हम लोगों ने जीती और पिछले 5 वर्षों में जो काम महाराष्ट्र में हमने किया 40% सीटें वो जीत पाई उसको तो ये जनादेश एक मैंडेट हक में जनता के वोटों से मिला और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर दिया, इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये जो जनादेश मिला पहले दिन से ही, ये जैसे महायुति को जनादेश था उसमें भी ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ी उसमें से तकरीबन 67-70% सीटें हम लोगों ने जीती और शिवसेना जितनी सीटें लड़ी उसमें मात्र 44% सीटें वो जीत पाई। तो ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में जनता ने दिया था। दुर्दैव से नंबर गेम इस प्रकार का है कि जिसमें हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, ये देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा ये किया गया है जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे, लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने तुरंत कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की, तो उनकी मंशा ये स्पष्ट थी कि वे उनके साथ सरकार बनाना पहले दिन से चाहते थे। और उसके बाद जो राज्य में हुआ हम सबने देखा, असेंबली की मियाद जब समाप्त हुई सरकार बनी उस समय उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पास 105 और हमारे जो अपक्ष इनका समर्थन हासिल है, इससे ज्यादा लोग हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम सत्ता नहीं बनाना चाहते। ये सैद्धांतिक भूमिका हमने रखी, मैंने इस्तीफा भी दिया। समय निकल गया, उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया। शिवसेना दावा लेकर इस प्रकार से गई मानो 145 लोग उनके पास है, और उस समय सारे मीडिया ने भी दिखाया कि सरकार बन गई, पर वो दावा कितना खोखला था और किस प्रकार से एक मजाक उस दावे का बना हम सबने देखा। न कोई चिट्ठी आई, न कोई सरकार बनी। उसके बाद एनसीपी को बुलाया गया, उन्होंने भी नंबर नहीं इसलिए नकारा, और राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उसके बाद तीन पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए। इसका कारण ये था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना, और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे, लेकिन वो उनको उनका लागू है, और इसलिए ये जब बना नहीं पाए और राष्ट्रपति शासन लागू था, ऐसे समय श्री अजीत दादा पवार इन्होंने
हमको समर्थन देने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले से तय किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे और इसलिए हमने कभी भी किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं, उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया और सत्ता के पीछे सारी चीजें उन्होंने गौण कर दी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिये तीन दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में तय किया है, हम विपक्ष में बैठेंगे, एक जागरूक विपक्ष का काम हम करेंगे, जनता का आवाज हम बनेंगे, किसानों की, गरीबों की, सर्वसामान्य लोगों की समस्याएं सरकार तक ले जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जो काम हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है वो आगे चले, इसके लिए सहकार्य भी हम करेंगे। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पिछले 5 वर्ष महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार का प्यार हमको दिया, मैं उस प्यार से अभिभूत हूं, मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं ये मानता हूं कि हमने जो 5 वर्षों में काम किया, चाहे वो गांवों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे खेती किसानी का हो, चाहे कनेक्टिविटी का हो, चाहे गरीबी हटाओ का हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लागू करना हो, हर काम पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी से और पूरी क्षमता के साथ किया। और इसी के चलते महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी यहां पर उभरे। और मैं महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ मैं हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो पिछले 5 वर्ष इस सरकार के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। और महाराष्ट्र को अगर आप तुलना करके देखें तो महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की मदद पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को प्राप्त हुई, और इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, वो हमेशा किसी भी समस्या की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। हमारे कार्याध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे अफसरों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हमारे साथी जो 5 वर्ष हमारे साथ थे उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्रिमंडल में जो मेरे सारे सहयोगी रहे, हमारे जो विधायक रहे, हमारे जो पार्टी के नेता रहे, जो कार्यकर्ता रहे,
क्योंकि जो भी हम कर पाए ये उनके कारण कर पाए, ये टीम का श्रेय था, एक टीम करके हम काम कर रहे थे, और इसलिए मैं उनका भी सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी का, मीडिया का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 5 साल आपका भी बहुत सहयोग हमको मिला, और मैं महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रश्नों को लेकर, उनके सपनों को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है, वो आगे भी निरंतर बढ़ता रहेगा।